हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटेल जो है अब एएमडी से काफ़ी पीछे पिछड़ता जा रहा है और एएमडी ने अभी जो है अपनी 400 सीरीज जो है मोबाइल के लिए लॉन्च कर दी है, यानी लैपटॉप के लिए उन्होंने अपने 400 सीरीज के प्रोसेसर जो है लॉन्च कर दिए और जो काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं। अब इंटेल को भी जो है इनसे कम्पीट करने के लिए काफ़ी अच्छे प्रोसेसर लॉन्च करने की ज़रूरत थी, तो इंटेल ने भी जो है अपने 10th जनरेशन के जो है कॉमेट लेक एस सीरीज वाले जो है मोबाइल प्रोसेसर लॉन्च कर दिए हैं जो कि इनके लैपटॉप में इस्तेमाल होंगे और ये भी काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाले प्रोसेसर हैं। तो अगर आप के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें एएमडी की तो एएमडी जो है इस समय जो है इंटेल से काफ़ी आगे निकलता जा रहा है और इंटेल जो है इससे पीछे होता जा रहा है और इंटेल के पास अभी कुछ ना कुछ नए करने की ज़रूरत थी क्योंकि इंटेल ने इससे पहले जो अपने 10th जनरेशन के जो है लैपटॉप वाले प्रोसेसर लॉन्च किए थे वो काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे और मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाए। तो अब जो है इंटेल को भी अपने नए सीरीज के प्रोसेसर जो है लॉन्च करने थे क्योंकि एएमडी ने भी जो है अपने 400 सीरीज के जो है मोबाइल प्रोसेसर लॉन्च कर दिए हैं। इसका की वीडियो हमने बनाया है, उसका की लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और ये जो प्रोसेसर जो है काफ़ी अच्छे इन्होंने एएमडी ने लॉन्च किए थे, तो इंटेल ने भी अब जो है उसके जवाब देने के लिए जो है अपने कॉमेट लेक एस सीरीज के जो है प्रोसेसर लॉन्च कर दिए हैं और ये काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाले प्रोसेसर हैं। और इन प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट टाइम ऐसे प्रोसेसर इन्होंने इंटेल ने लॉन्च किए हैं जो कि जो है 5.0 GHz के आगे भी आपको फ्रिक्वेंसी देने वाले प्रोसेसर हो जाएंगे और इस तरह के प्रोसेसर अभी तक लॉन्च नहीं किए गए हैं। अगर हम इनके आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो ये इंटेल के वही 14nm++ आर्किटेक्चर पर बेस हैं जो कि इनका काफ़ी पहले से चला आ रहा है और इंटेल को अब लगता है इसमें इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरत है। अगर हम बात करें तो इंटेल ने जो 5 GHz से ज़्यादा की जो है फ्रिक्वेंसी दी हुई है वो इसलिए दी हुई है क्योंकि इंटेल को अब जो है AMD से काफ़ी कंपटीशन करना पड़ रहा था क्योंकि इंटेल की जो सबसे अच्छी खासियत थी वो थी इनकी सिंगल कोर परफॉर्मेंस यानी इनकी IPC, लेकिन अब ये AMD जो है इस पर भी इनके लिए काफ़ी अच्छा कंपटीशन देने लगी थी और लगभग जो है AMD भी जो है इनकी सिंगल कोर परफॉर्मेंस में इनको बीट करने लगी थी। तो इंटेल को भी जो है कुछ ना कुछ नया करना था, तो इसलिए इंटेल ने जो है अपने 5 GHz से ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी लॉन्च कर दी जो कि 14nm आर्किटेक्चर के कारण देने के लिए काफ़ी ईजी। अब आइए हम इन प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं। अगर हम प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इन्होंने जो है इंटेल ने i5 से लेकर अपने जो है i9 तक के जो है प्रोसेसर लॉन्च किए हैं और ये 4 Core 8 Thread से लेकर आपको जो है 8 Core 16 Thread तक जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और ये सारे ही प्रोसेसर जो है वो हाइपर थ्रेडिंग के साथ आने वाले हैं। अगर हम इनके सबसे फ्लैक्स प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो वो है इंटेल का i9 10980H के, ये इनका जो है सबसे हाई रेंज जो है प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 8 Core जो है और 16 Thread देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर हम इसके बेस क्लॉक की बात करें तो इसमें आपको 2.3 GHz का बेस क्लॉक देखने के लिए मिल जाता है और 5.3 GHz का जो है इसमें आपको बूस्ट क्लॉक देखने के लिए मिल जाता है और ये जो है फुली अनलॉक जो है प्रोसेसर है, तो इसको आप जो है फर्दर और बूस्ट कर सकते हैं और अनलॉक जो है आप इसको जो है हायर फ्रिक्वेंसी तक ले जा सकते हैं। तो ये जो है लैपटॉप में आने वाला जो है ये पहला ऐसा प्रोसेसर हो जाएगा जो कि आपको अनलॉक प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। इन्होंने एक और प्रोसेसर जो है लॉन्च किया है वो भी आपको जो है पार्शियली थोड़ा सा आप उसको वो भी अनलॉक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वो है इंटेल का Core i7 10850H। ये भी जो है 6 Core 12 Thread के साथ आने वाला प्रोसेसर है और ये भी जो है आपको पार्शियली अनलॉक प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाए। अगर हम इंटेल के इन प्रोसेसर की बात करें तो जो इंटेल ने अपने इससे पहले जो यू सीरीज के जो प्रोसेसर लॉन्च किए थे तो ये यू सीरीज के प्रोसेसर जो एस सीरीज के प्रोसेसर जो है काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस देने के साथ आए हैं और ये लगभग गेमिंग से लेके अपने और ये 9th जनरेशन के प्रोसेसर से अगर हम कंपेरिजन करें तो ये लगभग 50% से ज़्यादा जो है आपको बूस्ट जो देखने के लिए मिल जाएगा। आपको क्रिएटर्स वगैरह के लिए अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छे जो है ये प्रोसेसर होने वाले हैं। अगर हम इनके फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको टर्बो बूस्ट मैक्स 3.0 का सपोर्ट इसमें देखने के लिए मिल जाए। साथ ही अगर हम मेमोरी सपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये 2900 MHz तक की मेमोरी को जो है सपोर्ट कर पाएगा और 128 GB तक जो है आप इसमें रैम को लगा सकते हैं। साथ ही ये प्रोसेसर जो है वाईफाई 6 को भी सपोर्ट करेगा और ये थंडरबोल्ट 3 को भी जो है सपोर्ट करेगा, तो इसमें जो है आप काफ़ी अच्छे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही अगर हम इन प्रोसेसर की बात करें तो इन सभी प्रोसेसर की जो है TDP आपको 45 W की देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही इन सभी प्रोसेसर में आप कूलिंग के लिए आपको इंटेल का थर्मल वेलोसिटी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो जो है ओवरक्लॉकिंग में आप कहीं कोई दिक्कत
नहीं होगी, और अगर ये हाई फ्रिक्वेंसी तक भी जो है काफ़ी आसानी से चल जाएगा। साथ ही इंटेल का जो एक फीचर्स है इंटेल ऑप्टेन मेमोरी सपोर्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे कि आपके गेम्स वगैरह जो है प्रोग्राम वगैरह काफ़ी तेज़ी से लॉन्च होंगे। अगर हम ओवरऑल इनकी बात करें तो इंटेल ने ऐसा दावा किया है कि इनकी 9 जनरेशन वाले प्रोसेसर से आपको इंटेल की इस 10 जनरेशन वाले प्रोसेसर में आपको लगभग 50% का बूस्ट देखने के लिए मिल जाएगा गेमिंग में और क्रिएटर वगैरह, यानी आप अगर वीडियो एडिटिंग और फोटोशॉप वगैरह का काम करते हैं तो इसमें आपको ये तरीके का बूस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और ये प्रोसेसर जो है एनवीडिया के जो अभी जो ग्राफिक कार्ड जो अब आने वाले हैं हाई एंड के ग्राफिक कार्ड, उनमें आपको जो है 2080 सुपर, 2070 सुपर और 2060 सुपर के साथ भी ये आपको पेयर वाले लैपटॉप आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जो ओवरऑल अगर हम बात करें तो अब जो है लैपटॉप में भी आप जो है काफ़ी हाई एंड आप गेमिंग कर पाएंगे, काफ़ी हाई एंड आप जो है इसमें आप वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम कर पाएंगे, अपना फोटोशॉप वगैरह का यानी इमेज एडिटिंग वगैरह का भी काम आसानी से कर पाएंगे। तो अब जो है लैपटॉप और डेस्कटॉप में इतना ज़्यादा फर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो अभी अक्सर चर्चा होती थी कि लैपटॉप में आपको थोड़ी कम परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है, लेकिन अब जो है लैपटॉप के प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। और ये जो लैपटॉप जो होंगे वो लगभग आपको जून से जुलाई के बीच में जो है देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।